शहरों के नामों के अंत में क्यों जुड़े होते हैं पुर, आबाद और गढ़? जानिए क्या है इसके पीछे का इतिहास और मतलब। हम हर दिन कई शहरों के नाम सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ शहरों के नाम के अंत में पुर, आबाद या गढ़ जैसे प्रयत्न जुड़े होते हैं? आइए जानते हैं इस प्रयत्नों का अर्थ क्या होता है। हमारे देश में शहरों के नाम महज पहचान का जरिया ही नहीं होते, बल्कि वे समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भी होते हैं। हम रोजाना कई शहरों के नाम सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ शहरों के नाम के अंत में एक जैसे प्रयत्न जुड़े होते हैं, जैसे पुर, आबाद या गढ़। उदाहरण के लिए कानपुर, रायपुर, गोरखपुर, नागपुर, सहारनपुर, जयपुर, जनकपुर, उदयपुर आदि, जिसमें पुर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह हैदराबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद जैसे शहरों में आबाद प्रयत्न जुड़ा होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आजमगढ़, रामगढ़, फतेहगढ़ में भी गढ़ का प्रयोग किया गया है। लेकिन सोचा है कि आखिर इन प्रयत्नों का मतलब क्या है और ये शहरों के नाम में क्यों जुड़े होते हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पुर शब्द का अर्थ प्राचीन वेदों से है, खासकर ऋग्वेद से। ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग उन स्थानों के लिए किया जाता है जो या तो कोई शहर थे या किला। बता दें ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना है। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल महाभारत काल में देखने को मिलता है, जैसे हस्तिनापुर। वही राजा महाराजाओं के काल में भी इस शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जब उन्होंने शहर की स्थापना की। उदाहरण के तौर पर जय सिंह द्वारा बसाए गए शहर का नाम जयपुर रखा गया। आबाद एक फारसी शब्द है जिसमें आब का अर्थ पानी है। वही आबाद का अर्थ ऐसी जगह पर आसपास पानी मौजूद हो। प्राचीन काल में जब शहरों का विकास होता था तो लोग पानी के स्रोत के नज़दीक ही वसाहत की जाती थी, क्योंकि पानी जीवन का आधार होता है। जैसे गाजियाबाद हिडन नदी के पास बसा है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। वही मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी के किनारे बसा है। वही इन सभी जगहों का नाम आबाद प्रयत्न से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद और अफगानिस्तान जलालाबाद भी इसी परंपरा को दर्शाती है। गढ़ प्रयत्न का अर्थ किला होता है। बात इतिहास में चाहे वह मुगल शासक हो या राजपूत, उन्होंने अपने किलों के माध्यम से अपनी ताकत और क्षेत्र की पहचान को दर्शाने के लिए गढ़ का उपयोग किया है। अगर आप अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़ जैसे शहरों के नामों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जगहों के नाम मुगल, राजपूत और अन्य शासकों के लिए बनवाए थे। इनके नाम के अंत में गढ़ जोड़ा गया है।